सेल से फोन चार्ज किया तो क्या होगा और क्यों इस आदमी ने बस कुछ पैसे बचाने के लिए 200 ऑरेंजेस खा लिए और पैकेट्स में ये लाइन क्यों होती हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि एफिल टावर पर जो पेंट किया जाता है उस पेंट का वजन 10 हाथियों के बराबर है, यानी कि लगभग 60 टन वजन सिर्फ पेंट का है और हर 7 से 8 साल में दोबारा पूरे टावर पर पेंट किया जाता है जिसमें लगभग 3 साल का समय लगता है। नंबर 14, एक चाइनीज आदमी एयरपोर्ट पर अपने साथ 30 kg का एक्स्ट्रा सामान लेकर जा रहा था और इसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे थे, लेकिन इस आदमी के पास 30 kg के ऑरेंजेस थे और इसके 4 साथियों ने मिलकर एयरपोर्ट पर आधे घंटे में 30 kg के ऑरेंजेस खा लिए और वो पैसे देने से बच गए। नंबर 13, क्या आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट का इन्वेंशन किसने किया था? दरअसल पहले इनकी जगह पर ट्रैफिक पुलिस होते थे, लेकिन इनको बहुत ज्यादा रिस्क रहता था क्योंकि इनका भरोसा नहीं था कि कौन ब्रेक मारेगा और कौन नहीं, जिससे इनको बहुत ज्यादा चोट लगती थी और इससे थककर पुलिस वालों ने ट्रैफिक लाइट का इन्वेंशन किया ताकि उनका काम आसान हो सके और उनकी जान को खतरा भी ना हो। नंबर 12, आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉकनेस दानव एक पानी में रहने वाला दानव है जिसकी केवल दंत कथाओं में ही पुष्टि की गई है। इस दानव के दिखने के अस्तित्व को केवल कहानियों में ही पाया गया है पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इसका पहला और एकमात्र तस्वीर 1934 में स्कॉटलैंड के लॉकनेस इलाके में खींचा गया था जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 11, दोस्तों इंग्लिश में हर एक वर्ड साइलेंट होता है, जैसे कि सुनामी में टी साइलेंट है और इंग्लिश में हर एक वर्ड साइलेंट हो सकता है सिवाय बी के। इंग्लिश में बस बी ही एक ऐसा लेटर है जो कि किसी भी वर्ड में साइलेंट नहीं रहता। नंबर 10, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला स्वतंत्र तैरता हुआ देश प्रशांत महासागर में तैयार किया गया है जहां पर 300 घरों के साथ साथ कई होटल, कार्यालय और बहुत कुछ मानवीय सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं और इस देश में स्वयं का बेरान क्रिप्टो करेंसी का उपयोग होगा जहां पर सरकारी नियमों के बाहर काम किया जाएगा। नंबर 9, दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रात को खींची गई फोटो में हमारी आंखों का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि हमारी आंख की पुतली जो है वह एक खोखला भाग है जिस पर जब फ्लैश पड़ती है तो आपकी आंखों के पीछे का रक्त दिखाई देता है। नंबर 8, अर्थ पर अगर आप गोली चलाते हो तो थोड़ा आगे जाने के बाद वो गोली रुक जाती है, लेकिन अगर आप स्पेस पे गोली चलाओगे तो वो कभी भी नहीं रुकेगी। अगर वो किसी प्लेनेट या फिर किसी एस्ट्रॉइड से ना टकराए तो वो हमेशा के लिए चलती रहेगी क्योंकि यूनिवर्स का एंड कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता। नंबर 7, गोल्ड फिश के आगे अगर बहुत ज्यादा खाना है और अगर उसका पेट भर भी गया है तो भी वो लगातार खाती रहेगी, ये उनकी आदत है और ये ऐसा क्यों करती है ये अभी तक मिस्ट्री है, लेकिन ऐसा करने से गोल्ड फिश की जान भी जा सकती है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे काली कार जो है वह BMW X6 वेंटा ब्लैक है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर रात के समय इसकी हेडलाइट बंद कर दी जाए तो यह कार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। नंबर 5, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दोस्तों एक वक्त में ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू था पर यह कोई रियल औरत नहीं है और इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका रियल फेस बनाने की कोशिश की है और ये देखो अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी रियल ह्यूमन होती तो वो कुछ ऐसी दिखती। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 4, ये जो रोड अभी आप देख रहे हो इसे रोड टू हेल कहा जाता है। इस रोड का शेप बहुत ही ज्यादा अलग और डरावना है, यहाँ कार चलाने की भी परमिशन नहीं है क्योंकि यह रोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसकी वजह से इसे रोड टू हेल भी कहा जाता है और जिस तरीके से ये रोड नीचे की तरफ जाता है ऐसा ही लगता है जैसे कि यह रोड हेल में जा रहा हो। यह एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और कई लोग यहाँ पर इस रोड को देखने के लिए भी आते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक बादल की स्पीड कितनी होती है? आपको लगता होगा कि बादल बहुत स्लो होते हैं लेकिन एक्चुअली में बादल बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं और आमतौर पर एक नॉर्मल क्लाउड 0.04 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, यानी कि एक बादल दिल्ली से मुंबई बस 7 घंटों में पहुंच जाएगा और नॉर्मली कार से हमें 10 से ज्यादा घंटे लगते हैं। नंबर 2, दोस्तों आपने कभी
चिप्स के पैकेट में ये लाइन को नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका काम क्या होता है? दरअसल इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला, जब चिप्स को पैक किया जाता है तब सील करने के दौरान ये हेल्प तो करता ही है, और साथ में चिप्स के पैकेट को एयर टाइट बनाया जाता है और एयर टाइट बनाने में भी ये मदद करता है। और इसका सबसे मेन यूज होता है चिप्स के पैकेट को खोलने में। अगर आप चिप्स के पैकेट को खोल रहे हो तो आपको हमेशा ऐसे खोलना चाहिए। हम अक्सर चिप्स के पैकेट को कोने में काट देते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि चिप्स का पैकेट तो रिसाइकिल हो जाता है लेकिन छोटा सा पीस जो कि कटा है वो कभी भी रिसाइकिल नहीं होता, और फिर ये हमेशा के लिए अर्थ पे कचरा बन के रह जाता है। नंबर 1, सेल से फोन चार्ज किया तो क्या होगा? दोस्तों, पहले तो आपके दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि क्या हम सेल का यूज करते हुए अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं या नहीं। तो ऑनेस्टली इसका आंसर है यस। असल में दोस्तों, जब हम सेल के नेगेटिव एंड से दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड को जोड़ते हुए कुछ इस तरीके की टावर बना लेते हैं तो इस कंडीशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैटरी की कैपेसिटी की होती है। दरअसल हर एक फोन में उसके फीचर के अकॉर्डिंग बैटरी को लगाया जाता है। जैसे छोटे फोन में छोटी बैटरी का यूज किया जाता है, जबकि प्रेजेंट डेट के स्मार्टफोन में काफी बड़ी बड़ी और हैवी बैटरीज का यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन में जिस सेल का यूज हम कर रहे हैं अगर उसकी वोल्टेज कम होती है तो हमारे फोन की बैटरी बहुत देर में चार्ज होगी। लेकिन अगर आप अपनी बैटरी की कैपेसिटी से ज्यादा पावर को उसको दे देते हैं तो ऐसे में बैटरी के डैमेज होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोग ये कर सकते हो। लेकिन अगर पावर ज्यादा हुई तो इस केस में आपकी बैटरी का जो हाल होगा वो आप खुद ही देख सकते हो। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हो कि अगर सेल से फोन को चार्ज किया तो क्या होगा।